हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। हिंदी लेक्चर्स फॉर ऑल एग्जाम की सीरीज में, जिसके माध्यम से किसी भी एग्जाम में जो हिंदी पोर्शन है उसमें आप अच्छे नंबर ला सकें, उस लेक्चर सीरीज में आज के लेक्चर में हम दिक्पाल छंद या मृदु गति छंद के बारे में अच्छे से जानेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका नाम है उत्कर्ष एजुकेशन। प्लीज़, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है और मेरे पढ़ाई वीडियो से आपको कुछ समझ में आता है, देन प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए आइए अब बिना समय बर्बाद के पढ़ना शुरू करते हैं दिक्पाल छंद या मृदु गति छंद। यह एक सममात्रिक छंद है, जिसका मतलब होता है कि जो पद है उसमें मात्राएं बराबर होंगी। इसमें दो पद होते हैं, जैसा कि आपको एक एग्जाम्पल से दिख भी रहा है। चार चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4। चार चरण इस तरह से इस पद में, इस दिक्पाल छंद में होते हैं। एक पद में टोटल मात्राएं 24 होंगी और एक चरण में मात्राएं 12 होती हैं। इस तरह से इसे दिक्पाल छंद कहा जाएगा। अब जो तुकबंदी होती है, जो मिलने वाले शब्द होते हैं, वो पद के अंत में होंगे, ना कि चरण के अंत में। ओके, पद के अंत में होने होंगे, ना कि चरण के अंत में। अब मात्रा गिन के मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से मात्रा गिननी चाहिए, जिससे आपको कोई भी छंद आए एग्जाम्पल में, ए सवाल में, तो आप मात्रा गिन के अंदाज़ा लगा सके कि वो कौन सा छंद है। और दिक्पाल छंद में मैं इस एग्जाम्पल को मात्रा गिन के आपको समझाऊंगा कि कैसे 12-12 छंदों का है। जैसा कि मैंने हर लेक्चर में पिछली बार आपको बताया, आ, ई, ऊ और रिरी, ये सब छोटी मात्राएं, ह्रस्व मात्राएं या एक मात्राएं मानी जाती हैं। बाकी सभी मात्राएं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ङ, हा, ये सब दो मात्राएं, ह्रस्व मात्राएं या दीर्घ मात्राएं, ए दो मात्राएं, दीर्घ मात्राएं या गुरु मात्राएं मानी जाती हैं। चलिए आइए अब ज़रा इस एग्जाम्पल को समझते हैं दिक्पाल छंद के लिए, ठीक है। तो दिक्पाल छंद में क्या है, सीधी सीधी बात है, एग्जाम्पल में लिखा है, कैसी नजाकतें हैं, कैसी शरारतें हैं, वो आंख के इशारे कैसी इबारतें हैं। अब आइए समझते हैं, आई की मात्रा है तो दो मात्राएं, बड़ी ई की मात्रा है तो दो मात्राएं, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, और यहाँ भी दो मात्रा, तो टोटल मात्राएं कितनी हुई, दो दो दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, तो 12 मात्राएं इधर। कैसी शरारतें हैं, दो मात्राएं, दो मात्राएं, एक, दो मात्राएं, एक, दो मात्राएं और दो मात्राएं, तो यहाँ भी इसी तरह से 12 मात्राएं होंगी। वो आँख के इशारे, दो मात्राएं, दो मात्राएं, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा और दो मात्रा, अगेन यहाँ भी 12 मात्राएं। कैसी इबारतें हैं, एक, दो मात्राएं, दो मात्राएं, एक मात्रा, दो मात्राएं, एक मात्रा, दो मात्राएं और दो मात्राएं, तो ये भी 12 हो गई। इस तरह से आप समझिएगा, इस तरह से एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिक्पाल छंद का अच्छे से एग्जाम्पल, इसको याद कर लीजिएगा, ताकि इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछते कहीं कि दिक्पाल छंद का एक उदाहरण जल्दी जल्दी बताओ, तो तुम बता पाओ। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ओके, प्लीज़ लेक्चर को लाइक करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिले। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जहाँ पर सारी PDFs ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।